Lifestylers, assalamu alaikum. Ramzan ki jo updates hain uske hawale se video upload kar raha hu. Teen cheeze qabil-e gaur hain. Pehli, pani ki intake. Pani ki intake bahut zaruri hai metabolism ko upar rakhne ke liye, for it to function well. Aur uska formula jo main aap logon ko bata raha hu usko zehn nishin kar lijiyega. Aapka jo individual har bande ki water intake farak hoti hai, water ki need farak hoti hai, to uske liye aapka jo weight hai in kilograms उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 0.03 से. अगर मिसाल के तौर पर आपका वेट 70 केजीज है तो अगर आप इसको 0.03 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.1 निकल आएगा. तो ये जो 2.1 है ये 2.1 लीटर्स है. ये आपकी इंडिविजुअल डेली कंजम्पशन है और इस वाटर इनटेक को आपने तकरीबन कोशिश करनी कि कम से कम 30-40% नॉट आई शुड से कम से कम बट मैक्सिमम 30% इस 2.1 का जो जितना भी बनता है वो आपने सहरी में लेना है. तो लिहाजा सहरी में इतना अपने आप को टाइम दें कि आपकी वाटर की ये बेसिक रिक्वायरमेंट शुरू हो रोज़ा शुरू होने से पहले. दूसरी चीज़, आपने पिंक हिमालयन सॉल्ट इस्तेमाल करने की कोशिश करनी जहाँ पे अवेलेबल हो, पिंक हिमालयन सॉल्ट, बिकॉज वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस में हेल्प करेगा. तीसरी चीज़, यू नीड द सप्लीमेंट कॉल्ड पोटेशियम. आप बाकी विटामिंस को डिले कर सकते हैं जो रमज़ान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. मैग्नीशियम, पोटेशियम और एक मल्टी वाइटमिन है और वाइटमिन D3. ये चार वाइटमिन आपने यूज़ करनी, बाकियों को अगर आपने डिले करना है तो आप डिले कर सकते हैं. तो ये बेसिक तीन टिप्स थे आप लोगों के लिए रमज़ान के सिलसिले में. उम्मीद है कि आप इसके ऊपर अमल करेंगे और स्टार्ट प्रिपेयरिंग. थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो. आई विल ट्राई टू गेट टू यू एज सून एज पॉसिबल. अल्लाह हाफिज़.